मेरी गली की सीवर लाइन कब डलवाई थी? अभी पीछे कितने से, मतलब डेढ़ दो साल तो हो लिए होंगे? डेढ़ दो तो नहीं, एक साल हो गया होगा। एक साल मान लो, आधी लाइन डलवा दी, आधी बीच में छुड़वा दी। नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। आज हम मौजूद है गुरुग्राम के एक गांव डुंडाहेड़ा में। यहां पे हम लोग एक रियलिटी चेक करने आए हैं, यहां की स्थिति देखने आए हैं, उसका जायजा लेने आए हैं कि यहां पे लोगों को क्या प्रॉब्लम्स है, पार्षद ने कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया, यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है। तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ के लोगों से जो हुई है हमारी बातचीत। आपका नाम? नरेंद्र वत्स जी। सर, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? जब से ही गांव बसा है, जब से रह रहे हैं। तो आपको कुछ कहना है यहाँ के पार्षद के बारे में, उन्होंने कोई निर्माण कार्य किया? पार्षद के बारे में, हमारे यहाँ पर हर रोज शिविर जाम रहता है। हम पार्षद के पास जाते हैं तो पार्षद बोलता है भाई आगे कंप्लेंट करो। मैंने उसको बोला अगर हम आगे ही करेंगे तो तुम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? तो मतलब जब आप उन्हें ऐसे बोलते हैं तो और किसी तरीके का वो कहते हैं कि कोई सुनवाई करवाते नहीं है, काम नहीं करवाते, नहीं आके देखते हैं भाई यहाँ लोगों को कितनी भारी समस्या हो रही है। तो मतलब वो कुछ तो कहते होंगे अपनी तरफ से कि हाँ, करते हैं पर काम करवाते नहीं, आके भी नहीं देखते, नहीं उनका कोई सुपरवाइजर है भाई जो आके देखे अगर भाई यहाँ पे क्या समस्या है। नंबर दो, पानी हमारे यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में आता है, जब 6 घंटे तक पानी चलेगा जब लास्ट में पानी आता है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है यहाँ पे पूरा सीवर अभी भी फ्लो हो रहा है, यहाँ पे हमारा खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पे कोई भी नहीं सोच रहा है, और यही नहीं यहाँ पे लगातार कंप्लेंट्स डाली गई हैं, उसके बावजूद भी अभी तक ना तो कोई एक्शन लिया गया है। यही नहीं, अभी के नहीं, जो पुराने पार्षद थे उन्होंने भी यहाँ पे कोई काम नहीं करवाया है। आइए आपको दिखाते हैं जिन्होंने कंप्लेंट की है और आपको दिखाते हैं कि क्या कंप्लेंट करी गई है। सर, गांव डुंडेड़ा, नाम गुलशन वत्स। हमारे गांव के अंदर, गली के अंदर यहां से सारा सीवर आगे से लेके पीछे तक हर दूसरे तीसरे दिन निकलता रहता है। कितनी भी कंप्लेंट कर लो कोई सुनवाई नहीं है। पानी की समस्या है, सीवर की समस्या, आप ये देख लो, कूड़ा देख लो, यहां पे कोई सरकारी गाड़ी, बाहर तक गाड़ी आती है, अंदर आने का कोई मतलब नहीं उनका, बाहर की बाहर निकल जाएंगी। हम यहाँ बैठे रहेंगे तो हमने स्पेशल अपने लिए जो स्वीपर होता है लगा रखा है, उसको रेंट वाला पैसा देते हैं हम हर महीने 1200-1000 रुपये। तो कूड़े की भी कोई सुविधा नहीं, सीवर का तो लगा लो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। तो मतलब यहाँ पे जो भी काम करवाते हैं वो आप अपने आप करवाते हैं ना? हाँ, कोई निगम काम कर रहा है ना यहाँ का पार्षद? नहीं, कोई पार्षद नहीं, कुछ नहीं, यहाँ टोटली सारा हमें खुद कराना पड़ता है। तो कुछ किराएदार भी है, मान लो थोड़ा बहुत भी है, ये है। सीवर का जो इतना बुरा हाल है कि बाहर से, बाहर वाली लाइन है, हर दूसरे दिन ही निकलती रहती है। कितनी भी कंप्लेंट कर लो, लिखे आए, आ रहे हैं, आके आने के बावजूद भी यहाँ नहीं करते हैं। यहाँ तक आ जाएंगे फिर वापसी चले जाएंगे, बोला हमारा टाइम हो गया, कहीं और जाना है। तो सर, जैसे हम देख रहे हैं आपका घर बिल्कुल साथ में है, तो आप लोगों को पूरे दिन में कितनी असुविधा होती होगी और बच्चे जो हैं उनकी हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है? सर देखो मैडम, ऐसा है, सारी सुविधा और सब कुछ है हमारे लिए, कुछ नहीं है गांव के अंदर जो भी कुछ है। यहाँ तो आप देख लो कोई कैसे निकल, आप खुद ही देख लो, कोई भी निकल के आ रहा है, बच्चा हो चाहे कोई भी हो, सारा ही चप्पल या जूते पहन रहा है, कुछ भी पहन रहा है, सारे सन जाएंगे। और ये देख लो आपके आगे तो ऑनलाइन है चल रहा है, कभी पानी निकल रहा है यहाँ से भी और वहाँ से भी, अभी देख लो अभी सुबह सुबह निकला था, तो टोटली सारा ही डेड है ये। और पानी अगर यहाँ एक दिन नहीं आता ना तो गाँव के अंदर दो अगले दिन आ जाएगा, यहाँ तीसरे दिन आएगा। ये हाल है हमारे इधर इस एरिया में, खासकर पंडितों में तो खाली लास्ट में पड़ जाता है हमारा, कति लास्ट में तो बाहर की बार, तो पानी की सुविधा है कति कुछ नहीं है, डेड है कति। अगर वहाँ एक दिन यहाँ नहीं आया तो वहाँ शाम को चल जाएगा, यहाँ तीसरे दिन आएगा पानी, वेट करते रहेंगे, हमें टैंकर मंगाना पड़ता है 1000-1200 का, जब जाके यहाँ पानी पूर्ति होती है हमारे पास। सर एक बार वो आप प्लीज़ कंप्लेंट भी दिखा दीजिए ऑन कैमरा एक बार। यहाँ के लोगों ने हमें बताया था कि यहाँ पे जो कूड़ादान है, कूड़ा डंप होता है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम घर भी हैं, यहाँ पे लोग रह भी रहे हैं, और यही नहीं कि अगर यहाँ पे सफाई नहीं होती तो यहाँ के लोग जो बता रहे हैं यहाँ पे उनके स्वास्थ्य पे कितना असर पड़ रहा है। जहाँ पे हम गुड़गांव की डेवलपमेंट की बात करते हैं, गुड़गांव को आगे फ्यूचरिस्टिक बनाने की बात करते हैं, वहीं ऐसी जगहें हमारे सामने क्यों आ जाती है जहाँ पे काम नहीं होता, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेला जाता है? आखिर क्यों और कब तक चलेगा यही निगम और पार्षदों का रवैया? और अब ये जो वर्तमान ये जो क्या नाम है ये MLA, उसने आके एक दफा भी
यहाँ आके कोई भी नहीं पूछे कि भाई यार मर रहे हैं जी रहे हैं या कुछ है ना पार्षद, ठीक है पार्षद तो आ जाता है, हम जब भी बुलाओ जब भी आ जाएगा। तो वो आके करते क्या है, करते क्या उसके, जब वो तो अपना कह के अपने चले जाए पीछे छुटा के। तो अपनी तरफ से उनकी तरफ से कोई एक्शन होता होगा या कोई सुनवाई होती होगी, कोई झूठ सच बोलने में गोली दे के हाँ भेजूंगा पंडित जी कल छुट्टी नहीं, फिर पानी चले जाएगा तो स्विच बंद कर ले फिर बात खत्म, उसे क्या कहे। ऐसी कोई खास वजह है कि इस इलाके में पानी नहीं आता है ये मोहल्ला, ये सबसे लास्ट में पड़ता है, इतने जब पानी का उनका खड्डे उड्डे जो भरे हैं 50,000 लीटर के जो बना रखे हैं, वो जो पानी भरे इतने उसमें जो टैंक है उसमें पानी खत्म, भाई स्विच बंद करके फिर बैठ जाते हैं। ये बोला कि पानी अगर एक दिन नहीं आया, नहीं वो तो बता दिया, वो तो बता दिया कि एक दिन पानी अगर पीछे से कोई बात है तो 4-5 दिन पानी आवे, वो तो उसने हम बेशक से पार्षद से बुझवा देंगे आपके सामने। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसा आपने बोला कि आगे वाली उस इलाके में पानी आता है और शाम तक आता है, बाहर वैसे कुछ है, तो ऐसी क्या वजह है कि उस इलाके में पानी तुरंत आता है और यहाँ नहीं आता है। भाई उसकी दाब लगा लो चाहे कैसे लगा लो, उनकी मतलब वैसे राव साहब का गाँव है, ठीक है कि नहीं मैडम, लाइन ऐसी बिछी हुई है कि पानी उन्हें चढ़े नहीं, सारी पानी सारा वहीं जाता है। ये जो बाहर लाइन है जो जांगना मार्केट वाली जो राम चौक वाली लाइन है, इसका ऐसा ढाल कर रखे है कहीं बीच में 10 इंची पाइप लगा रखे, कहीं 4 इंची लगा रखे, कहीं 6 इंची लगा रखे और ऊंचाई पे है, सारा पानी गांव की तरफ जाता भागता है जितना। तो ये जो पाइपलाइन बिछी हुई है इसको लेके कोई कंप्लेन या इसको लेके कोई ठीक करने के लिए पार्षद को सब कुछ पता है कि हमने एक एक चीज लिखवा रखी है, उसने कहेगा ठीक है पंडित जी करवाऊंगा मैं, मेरे घर को पानी जो है आज तक मुश्किल से 5-7 जब जो सारे छिकले हैं तो मुश्किल से 10 मिनट पहुंचे हैं, पार्षद को पता है और उसको ठेकेदार को पता है। तो जैसे कि घर में तो बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, जैसे आप लोग हैं तो पानी की तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हम तो फिर टैंकर मंगा लेते हैं। तो उस एक टैंकर एक दिन में कितने टैंकर आते हैं या महीने दिन में कितने, 4 भी आ जाए 5 भी आ जाए 3 भी आ जाए कुछ अपने घर की बोर मशीन लगा रखी है जो पहले जो है चल रहा है, वो हमने अपना जो बरसात का पानी वहीं से उसी में छोड़ रखे हैं, तो वो हमारा एक बोर चालू है उससे भी काम चल जाए, बाकी टैंकर मंगा ले। तो ये अक्सर आपको टैंकर मंगवाना ही पड़ता है। टैंकर तो हाँ चलो जी मेरे तो है पर और तो हैं, उनके तो ना है ना मोटर वोटर को, उन्हें सब टैंकर मंगवा रहे हैं, ना तो आज तक एमएलए आज तक शिकल नहीं दिखाई है, इंद्रजीत 5 साल में एक दफा आवे। तो आप लोग काफी ज्यादा प्रशासन से नाखुश हैं। बहुत ज्यादा नाखुश है, इधर देखना ही बंद कर दिया। पार्शियलिटी जैसे कि कोई सी भी गली में चले जाइए आप गांव में, आपको हर जगह आरसीसी की गली मिलेंगी। हमारे एरिया में सिर्फ ये टाइलें बिछाई हुई हैं, वो भी आधी से ज्यादा दबी हुई है, गड्ढे बने हुए हैं जगह जगह, आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है। अब जितना भी पंडितों का एरिया है सब जगह टाइलें मिलेगी, बाकी हर गाँव में मतलब पूरे गांव में हर गली में आरसीसी की गली मिलेगी, पक्की गली, कहीं गड्ढे नहीं है कहीं कुछ नहीं है। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, जैसा आप कह रहे हैं कि जैसे हमारा इलाका जैसे पंडितों का इलाका, तो इसकी कोई खास वजह है कि इस इलाके से उन्हें किसी तरह इसकी वोट सारा वोट बैठने का चक्कर है जी। हमारे जो है आपने सुना हो मुकेश पहलवान है जो, वो हमारे चाचा का लड़का है, वो वोट लेने के लिए तो है और फिर वो आगे नूना देखे भाई क्या है, भाई मर रहे हैं जी में, ठीक है कि नहीं, उसने पता है कि वो खड़ा होगा, उसने वोट उसको वे पंडित है वो उसकी देंगे, इसलिए यहाँ कोई काम नहीं होता। हमने तो फिर ये कनेक्शन अपना जुगाड़ करके इधर कर रखे, नहीं तो जैसे यहाँ पानी रहे ना निकला है ऐसे निकला है पानी पे। अभी भी बंद है यहाँ, अगर यहाँ सब बंद है, भैया बुरा हाल है पानी का भी और सीवर का भी। तो यहाँ के पार्षद कोई एक्शन नहीं लेते, कुछ भी कह लो पार्षद क्या एक्शन लेगा, जो नगर निगम का अध्यक्ष है ऊपर सेक्टर 34 के अंदर एप्लीकेशन दे करके आ रहे हैं, साइन करवा के आए हैं, लेकिन उन्होंने कोई सुनाई नहीं करी। कॉलोनी है हमारी, उसके अंदर पहले सूर्य विहार के अंदर जो लाइन जा रही थी उससे कनेक्शन मिल रहा है, और पार्षदों ने अपनी वोट के चक्कर में उसके कॉलोनी के नगर निगम का इससे और करा दिया, डबल कनेक्शन है, सुबह पानी यहाँ से ले लेते हैं, शाम को पानी वो सूर्य विहार में जाता है उससे लेते हैं, बाकी और कहेंगे ना पानी जाओ चाहे नहीं जाओ। बाकी पानी के लोग काफ़ी तस्करी कर रहे हैं, जो पानी बेचते हैं उनके तो एक एक इंची भी कनेक्शन है, गुप्त कनेक्शन लगे हुए हैं।
और गांव के अंदर जो है 50-50 हज़ार के टैंकर बन रहे हैं पानी लीटर के, 4-4, 5-5 कनेक्शन है, कोई उसको बंद नहीं करता, बगैर मोटर के पानी चढ़ता है, यहाँ मोटर घिस जाते हैं पानी खींचते हैं। जे ही आया है तो जे बंद करवाने के लिए आया है, बोलो भाई 2 घंटे पहले बंद करे, बोलो जिसने हमारा पानी नहीं भरेगा इतना, अगर जिसने हाथ लगा दिया उसको साढ़े को जान तो मार देंगे यहाँ। और जे भी उठ कर चले गए बूस्टर पर, यूँ बोला भाई हमने मरना नहीं है यहाँ। पानी के अलावा कोई समस्या जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? शिवर की पानी की ये दो चीज़ है, बिजली दवाई रही है, तीसरी चीज़ है कूड़ा उठाने वाला, कूड़े उठाने वाला कोई नहीं, कदे बाजी भी आ जाता हफ्ते में एक बार आ जाए दो बार आ जाओ, वो भी आ इस रिंग रोड है ना जो खुला रास्ता, इस पे के आ जाता गाँव में भीतर, वो भी नहीं जाता। तो जैसा कि आपने बताया कि यहाँ कूड़े की भी काफ़ी समस्या है, मतलब गंदगी और साफ सफाई पे भी कोई? अच्छा, और जैसे ब्याह शादियों के लिए कम्युनिटी सेंटर है, जैसे ये जगह पड़ी है, तो आज से जब चौटाला की सरकार थी तो ये जो गहलोत है उस टाइम स्पीकर था, उस टाइम ये घोषणा कर गए थे यहाँ, वो आज तक नहीं बने हैं। ये जगह पड़ी है खाली यहाँ, हाँ घोषणा कर गए थे वे, पर वो कोई कार्रवाई नहीं है, अभी आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगभग 250 गज में 12-8 घर का वो एस्टीमेट अप्रूव हो चुका है, वो इसी साल में वो हो जाएंगे। सर, तो उस एरिया से जो इतनी कंप्लेन आई उसकी कोई खास वजह, क्योंकि जैसा आप बता रहे कि आप अपनी तरफ से ध्यान देते हैं, आप उस एरिया पे जाते हैं? ये मेरा सामने ये घर है, ये येलो कलर, मैं गाँव के बीच में रहता हूँ, मैं सेक्टर में भी नहीं रहता, मैं अकेला पार्षद हूँ आउट ऑफ 35 जो मंडे टू सैटरडे ऑफिस में बैठ के काम करता है। ये इस बात पे तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ, और पता भी है लोगों को, मेन रोड पे हनुमान मंदिर के पास काउंसलर ऑफिस है, सरकारी ऑफिस है। दूसरी बात, मंडे टू सैटरडे ऑफिस में बैठ के काम करता हूँ, उसके बाद किसी को भी कोई दिक्कत है वो शाम को घर आ सकता है, अर्ली मॉर्निंग घर आ सकता है, कोई बात ही नहीं है। मैंने घर पे भी कंप्यूटर सेटअप लगाया हुआ है, ऑफिस में भी है, काम के मामले में कोई किसी को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड 1% भी कोई प्रॉब्लम। तो आप जब आए थे सर अपने मतलब इस कार्यकाल के उसमें, तो आपको ज़्यादातर किस तरीके की ऐसी परेशानियाँ थी या समस्याएं थी जो लोगों की आपने देखी और उसको अब तक आपने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया या ऑलमोस्ट आप ख़त्म करने वाले हैं, ऐसी कोई समस्या जो आपने अपने इसमें टाइम पीरियड में दूर की हो लोगों की? देखिए, सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, क्योंकि हमारे यहाँ किराएदार काफ़ी तादाद में हैं, आपने देखे भी हैं, लगभग 1-1.5 लाख के आसपास टोटल पॉपुलेशन है, तो पानी तो देखो बहुत ज़रूरी है, हर रोज़ मिलना चाहिए। पानी के बारे में हमने तय किया हुआ है कि रोड के राइट साइड का एरिया मॉर्निंग में चलेगी सप्लाई और लेफ्ट साइड का एरिया में शाम को सप्लाई चलती है, दोनों समय सप्लाई चलती है। ऐसी क्या वजह है कि गुरुग्राम के काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है, कोई खास वजह? पानी की सप्लाई लाइन का इशू होगा, मेरे यहाँ कोई इशू नहीं है ऐसा, जहाँ जहाँ सप्लाई लाइन बाकी थी वो मैंने आते ही बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से वो पानी की सप्लाई लाइन डलवा दी है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज़ मैं बताने जा रहा था, GMDA की जो सप्लाई लाइन है राम चौक से, मैं उसको बूस्टर स्टेशन में कनेक्ट कराने जा रहा हूँ, प्रपोजल अप्रूव हो चुका है, गर्मियों से पहले वो सप्लाई कनेक्टिविटी हो जाएगी, उसके बाद हमें 2 साइड से सप्लाई लाइन मिलेगी, तो हमारे टैंक फुल रहेंगे, हमें पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। बिल्कुल, वहाँ पहुँचे तो लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ जो साफ़ सफाई करने वाले आते हैं या कूड़ा उठाने वाले आते हैं या नगर निगम की कोई गाड़ी आती है तो वो आगे से ही रोड के चली जाती है, अंदर तक नहीं आती, और हमने वहाँ कूड़ा था इकट्ठा हुआ देखा, और यहाँ तक कि सीवेज थे वो भी कंटिन्यूसली बह रहे थे सर, ऐसा नहीं था कि रुका हुआ था, तो वो और ऐसा कहना है कि 3 दिन हर 2 दिन में वो ऐसा फिर होता है और बच्चे भी बीमार हो रहे हैं वहाँ पे। अब अगर कोई ये समझे कि सीवरेज क्लीनिंग हुई और उसका सिल्ट जो है वो सेम डे उठे, वो पॉसिबल नहीं है, आपको मालूम है वो टपकता हुआ कैसे पॉसिबल है, उसको सूखने में 1-2 दिन का समय चाहिए, ठीक है। तो ये है, कहीं कहीं इश्यूज है ये, लेकिन उसकी भी कोशिश हो रही है, अभी एक ट्रैक्टर ट्रॉली और सेंक्शन होने जा रहा है MCC से, तो उसके बाद वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। समस्या ये आ रही है कि 5 साल का उसका एग्रीमेंट हुआ पड़ा है पिछले कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में किसने दिया? नगर निगम ने, नगर निगम दिया, नगर निगम में। ये नहीं कह रहा मैं कि आपकी वो है,
आप देख रहे हो। अरे दादा आप एक बात बताइए कि 5 साल का एग्रीमेंट खत्म होगा उसके बाद ही तो ये चीज होगी कि नहीं आउटसोर्स नहीं करना। तो सर आप ये बात बोल रहे हैं कि अगर जब उनका खत्म हो जाएगा कार्यकाल तो उसके बाद आप डायरेक्ट निगम के हाथ में पेमेंट रुकवा दो। नहीं उसकी पेमेंट रुकवाओ। पेमेंट उसके बीच बीच में रुकती रहती है, छुटमुट पेनल्टी होती है, लेकिन एमसीजी इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा कि उसको कैंसिल कर दे। मेरी बात सुनो, ये किसका है? नगर निगम का है। वो किसके अंदर आते हैं? क्या अभी जो आप बता रहे थे? नहीं ये पानी का बिल इसका क्या मतलब समझा नहीं, बताइए। अभी आप दो चीजें बता रहे थे। हाँ निगम ने उनको दिया हुआ है। अरे आप बात को समझे, पानी सप्लाई का केवल, बिल लेने का पैसे लेने का उनका अधिकार नहीं है। पानी तो एमसीजी दे रहा है। चावा मीटर लगे। हाँ ये एक मिनट सुनो, ये फ्लैट रेट पे बिल मीटर लग गया। एक मिनट समझ देखिए, मैं आपको बता भी दूं। कहना चाह रहा हूँ मेरी बात सुन, पर मीटर लगा समझने की कोशिश करो। हम जिसको पेमेंट कर रहे हैं हम शिकायत करने के अधिकार उसी को ही रखते हैं ना। बिल को मत भेजो जब तक मीटर ना लगे। वो क्यों कि जब मीटर चलेगा ना, जब मीटर चलेगा तो अब मीटर तो चल नहीं रहा। अब आपने पता है कि मैं तो 5,000 लीटर में खराब करूंगा नाली में जब भी किसी को नाम मिल रहा वो भी ये फ्लैट। हाँ तो ये तो जारी है, शुरू होगा ये तो बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, ये आना चाहिए, अच्छी बात है। पहले मीटर लगवाओ। मीटर लगने में समय लगेगा भाई। ऐसा है कि जो लोग वेस्टेज कर रहे हैं वो तो नहीं मानते ना, अब मान लेंगे। हाँ इससे भी ना मानना है। जब अभी तो फ्लैट आ रहे हैं खाली चल रहा है, जब तक वो घूमने वाला नहीं लगेगा मीटर तब तक नहीं मानेंगे। एक एजेंसी को दे दिया है ये काम भी प्राइवेट एजेंसी कर रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसको 2024 तक का कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि वही पूरे उसमें ये बिल डिस्ट्रीब्यूशन। एक बात बताओ, हमारी समस्या शुरू से है कि नहीं है? हाँ लेकिन मेरे को नहीं कह रहा हूँ। एक बात बता दो आप, मेरे को एक बात बता दो, मेरे को भी बहुत अच्छी तरह याद है शुरू के 5 साल के कार्यकाल में लगातार टैंकर आते थे दुनिया भर के आते थे। मेरे यहाँ घर के सामने खड़ा हो जाता था, औरतें चढ़ जाती थी, सब पाइप डाल देते थे, झगड़ा भी हो जाता था। अब मेरे को ये बताओ कि रेयर केस में कोई टैंकर आता हो तो मैं उसकी तो नहीं कहता, लेकिन पहले पब्लिक में रिम में फर्क है, पब्लिक में पहले में ही फर्क है। सर्दियों में तो कम आया है लेकिन गर्मियों में तो खूब टैंकर आया। गर्मियों की मैं बता रहा हूँ कि गर्मी आने से पहले, गर्मी दोबारा गर्मियाँ आने वाली हैं। अब फिर उस बात पे तो मैंने अभी बताया जीएमडीए से दूसरी सप्लाई लाइन कनेक्ट होने जा रही है, गर्मियों से पहले हो जाएगी। पिछले साल क्या होता ना, ठेका छोड़ दिया है कि भाई वो जब 1 महीने का टाइम दे दो। पिछले साल मैं आपको बता दूं, जीएमडीए के साथ काफी लड़ाई झगड़ा करने के बाद अप्रूवल मिली है। वो ये कहते हैं कि आपको तो एक साइड से तो मिल रही है, कुछ वार्ड तो ऐसे है कि एक साइड से भी सप्लाई लाइन नहीं है। आप दो ये निगम ने ये सीवर लाइन ये कब से डाली है, कितना टाइम हुआ है? सीवरेज लाइन पिछले कार्यकाल में डाली है, पिछले एक साल कार्यकाल। हाँ सीवरेज। अब इससे मैं बताऊं, इससे पहले वो जो रास्ता है पक्का भी हमने खुद किया था। कौन सा? जिसकी हम कंप्लेंट लेके आए हैं। अरे छोड़ दे ना। नहीं एक मिनट मैं बताऊँ। नहीं सुपर एक बात तो कहने देना, पक्का भी हमने खुद कर रखा था, टाइल्स सीवर लाइन भी हमने खुद अपनी पर्सनल आरसीसी बनवाया था, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। जब से निगम का इसमें आया है रोल, मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहले कनेक्टिविटी उसकी, नरेंद्र आपको ज्यादा ध्यान होगा, उसकी उद्योग विहार वाली लेन में थी। थी अभी क्या सीन है? अभी जा रहे हैं क्यों निगम में जा रही है? वो आप लोग जानो ना। मैंने पहले भी कही थी कि वो उसको उद्योग विहार की बड़ी लाइन है, अगर उसमें कनेक्ट कर देते हैं दोबारा से तो समस्या हल हो जाएगी काफी हद तक। नहीं हमने तो लाइन वहां तक डलवा दी थी। हाँ लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे, तो आपके हाथ में है। ठीक है हमारे हाथ में दो, अगले 10 दिनों में काम होगा। कोई बात नहीं, एक मैनहोल बनना है ना, ठीक है वो कनेक्टिविटी उधर हो जाएगी, उस पूरी गली की समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है आपने मेरी गली की सीवर लाइन कब डलवाई थी? अभी पीछे कितने मतलब 1.5-2 साल तो हो लिए होंगे? नहीं 1.5-2 तो नहीं, 1 साल हो गया होगा। 1 साल मान लो, आधी लाइन डलवा दी, आधी बीच में छुड़वा दी। कहाँ पे? मेरी गली में, पतली वाली गली में, आधी गली में आपने लाइन डलवा दी, आधी छुड़वा दी। आज तक मैं बताऊँ, आज तक वो रोड बन गया। रोड का सुनो, सुनिए एमसीजी कंप्लेंट है ये भी।
ये एमसीसी कंप्लेंट में कई दफा डाल चुका हूँ, ठीक है। आप बताओ, एक साल में रोड भी ना डले और सीवर भी ना डले पूरी, तो इसका बेनिफिट क्या? उसका मैं बताता हूँ, दिक्कत क्या है कि अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सीवरेज लाइन का कॉन्ट्रैक्टर रोड नहीं बनाता और रोड जो बनाता है वो सीवरेज लाइन नहीं डालता। नहीं, इतने गली माल भी ना निकले, गंदगी कितनी। कॉन्ट्रैक्टर का नाम बता रहा मैं, अश्विनी कॉन्ट्रैक्टर है। तो आप करा सकते हो, हम थोड़ी उसे देखो। सर सर, मेन मुद्दे की यहाँ पे जो बात हो रही है, अब आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हो ये बात कि आप 10 दिन में काम ठीक करवा दोगे, तो सर आप क्या इसी चीज का वेट कर रहे थे कि सारे इकट्ठे बैठे बार बार? इन लोगों ने हमें खुद ही बताया कि बार बार कंप्लेंट्स करने के बावजूद भी अभी तक मैंने बताया कि पानी की तो कोई बहुत ज्यादा वैसी समस्या ही नहीं है, पानी का तो वाजिब ही नहीं है इशू। पानी जो होता है एक डेली नेसेसिटी होती है सबकी, ठीक है। अगर वही इन लोगों के घर में नहीं आ रहा है या कम आ रहा है या टाइमली नहीं आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। मैं भी मान रहा हूँ ये बात। इतने पानी पहुंचता है ना, फिर पानी बंद होने का टाइम हो जाता है। लेकिन मेरे को लेकिन पानी एक नेसेसिटी होती है एक इंसान के जीने के लिए, तो सर उसी में इन लोगों को समस्या आ रही है। और ये भी अगर ये किसी को बोलते हैं तो अभी तक तो मेरे हिसाब से जितना मैंने इन लोगों से सुना है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप आज ऑन स्क्रीन जरूर बोल रहे हैं ये बात। मैं चैलेंज करता हूं, आप अगले 10 दिनों में एक टैंकर दिखा सकते हैं कहीं गांव में कि एक टैंकर पानी का आया हो? चैलेंज कर रहा हूं। क्या बात कर रहे हैं, पानी की कभी कभी समस्या टेक्निकल प्रॉब्लम कोई बसई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से हो जाए। नहीं, वो मालूम है। 10 दिन में क्या, मैं दूसरे दिन दिखा दूंगा टैंक कैसे तो सर इन्होंने आप ये पूछो कैसे दिखाऊंगा? नहीं, आप ये पूछो कैसे दिखाऊंगा? मैं ऐसे दिखाऊंगा, सप्लाई की लाइन में एक इंच कनेक्शन गुप्त लगा रखा है, टैंकर से पानी भेजते हैं। तो जैसा कि देख रहा आपने कि यहाँ पे लोगों को कई तरह से समस्याएं आ रही है, जैसे पानी की, साफ सफाई को लेके नालियाँ बह रही हैं या गंदगी है, या सड़कों का निर्माण सही तरीके से नहीं किया है। लोग काफ़ी ज़्यादा नाखुश नज़र आए यहाँ पार्षद के काम से, और इस तरीके की समस्याएं लोगों को रोज़ हो रही है, रोज़ कंप्लेन कर रहे हैं। लोगों के पास कंप्लेन पेंडिंग्स पड़े हुए हैं, उन पर कोई सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और उनको पता चले कि यहाँ लोग किस तरीके से समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे ही बने रहिए, और नई और ताज़ा इलाकों में हम जाएंगे और लोगों से उन बात करेंगे और उनकी समस्याओं के बारे में पता करेंगे। मैं प्रगति पांडे, कैमरामैन मंथन के साथ।